और वो किसी हद तक भी बोल सकती है, वो इसके अलावा भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली, मैं बोलना नहीं चाहता सिंस अपना डिस्कोर्स काफ़ी नीचे हो जाएगा। अब जैसे मोदी जी ने बोला कि हम लोग शिक्षा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, केजी टू पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द गर्ल्स, बंगाल को ऑलरेडी उन्होंने आधा पाकिस्तान तो बना ही दिया है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगर इस बार वापस अगर आ जाती है तो बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ तो वीज़ा लगेगा आने के लिए। डबल इंजन का जो ग्रोथ होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज था, यहाँ सब कुछ था, सब बंद हो गए, चाय धीरे धीरे कम होती जा रही है, जूट है, जूट ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट होता जा रहा है, सारे जो स्टील सेक्टर, वन ऑफ द मेन स्टील यहीं पर था, कोयला वगैरह की माइंस थी यहाँ पर, अब कोयला चोरी हो रहा है, प्रॉपर जगह पे जा नहीं रहा है, माइंस ठीक से एक्सप्लॉयट नहीं हो पा रही है। आपको पता है आदित्य बिरला को यहाँ पर आरबीआई के हेडक्वार्टर के सामने फुटपाथ पे सबके सामने कपड़ा खोल दिया गया। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होना एक क्रिमिनल होना होता है, उसको छुप के रहना पड़ता था, उसको डर के रहना पड़ता था कि कब कोई मॉब आ जाए उसको मार के चला जाए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कभी आप घूंघट नहीं देखोगे, यहाँ पर आप कभी आप यहाँ की जो आप वोमेन एम्पावरमेंट है, यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को माँ बोलते हैं। योगी जी की गवर्नमेंट में 2 साल हुआ है, जीडीपी जो था 6 या 7 में था, आज वो 2nd में आ गया महाराष्ट्र के बाद यूपी का, ये आँख के सामने हुआ है, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, एक सफ़ेद और ब्लू कलर करना डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट के लिए रियल जॉब्स चाहिए। आपको पता होगा सेनबाड़ी में क्या हुआ था, एक माँ को उसके बेटे को कत्ल करके उसके बेटे के खून से भात सना के उसको खिला दिया गया था। और भी कोई स्टेशन नहीं, कालीघाट का मेट्रो स्टेशन टीपू सुल्तान के नाम पे रखने की कोशिश की थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं बंगाल के, वो यहाँ के हुए थे, रेवोल्यूशनरी सब यहाँ के हुए थे। आप सबका नाम मिटा दियो, सब बांग्लादेश से उनके वोटर्स भी आते हैं, बांग्लादेश से स्लोगन भी आता है, बांग्लादेश से पैसा भी आता है, तो यहाँ सत्ता परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो 20-25 साल के लिए रहता है, तो यहाँ जल्दी से चेंज नहीं होता। ये जो ईस्टर्न बेल्ट है ना, काफ़ी सेटिस्फाइड बेल्ट है, यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी छोटी है, यहाँ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं है, उनको भी पता है कि होगी नहीं, तो छोटी एक्सपेक्टेशन में ही खुश रहते हैं, वो लोग संतुष्ट है, लेकिन उनको कूल है, लेकिन उनको छेड़ा जाए ना तो फिर वो आपको उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े बड़े फैसले लेते हैं और बंगाल की मुख्यमंत्रियां वो कहती हैं कि बंगाल में आएंगे तो उनके गले में फट्टा डाल करके बंदर की तरह नचाया जाएगा, क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित है? नहीं, देखिए वो तो वो चीफ मिनिस्टर है, वो कुछ भी बोल सकती है, उनके बारे में लोग जानते हैं कि वो कुछ भी बोल सकती है और वो किसी हद तक भी बोल सकती है, वो इसके अलावा भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली, मैं बोलना नहीं चाहता सिंस अपना डिस्कोर्स काफ़ी नीचे हो जाएगा, और इस टाइप की बातें करके कोई फ़ायदा ही नहीं, उनको ही बैकफायर हुआ है, लोगों को मतलब वो उस टाइप की बातें अच्छी भी नहीं लगती है। दे वॉन्ट अ पॉजिटिव थिंग्स, आप क्या करना चाहते हो? अब जैसे मोदी जी ने बोला कि हम लोग शिक्षा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, केजी टू पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द गर्ल्स, तो इस टाइप की चीज़ है। अब जब दीदी 2016 की बात थी तो उन्होंने कन्याश्री दिया, उन्होंने साइकिल दिया, तो देखिए जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है अप्रिशिएट करते हैं, वो वापस चुन के आ भी गई, 200 सीट्स के ऊपर आई उनका, लेकिन अब लास्ट 5 ईयर्स में उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं किया कि है ना, 5 रुपये का अंडा भात खिला रही हैं, गरीब लोगों को खाना खिला रही हैं। देखिए ये सब लास्ट 4-5 महीने से पहले ही हुआ है और ये साल भर पहले हुआ है। सेंटर जो पैसा देता है अनाज का, वो आप सेंटर 2 रुपये में देता है, आप 2 रुपये को 1 रुपया में सब्सिडाइज करके दे रहे हो, तो बेसिकली आप 1 रुपया ही आपका पॉकेट से खर्चा हो रहा है, बाकी तो गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है। 20 रुपये का आटा 2 रुपये में गवर्नमेंट दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, आप 2 रुपये को आप 1 रुपया करके दे रहे हो, तो आपका तो एक किलो आटा पे 1 रुपया ही लगा, बाकी तो 18 रुपया मोदी जी ने दिया और आपने उसको नेम भी चेंज कर दिया उस स्कीम को, तो ये तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, लोग समझते हैं ये चीज़ को। ऋषि जी कैसे समझ रहे हैं लोग, दीदी आज कह रही है कि दिल्ली से 2 गुंडे आए हैं, कुछ बाहरी जो उनके ऊपर टैग लगा दिया, बाहर के लोग आकर के बंगाल को लूटना चाहते हैं। नहीं, मैंने बताया था जैसे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको आप बुला बुला के आप आधार कार्ड बनाते हो, उनको वोटर आईडी कार्ड देते हो जस्ट बिकॉज वो आपको वोट देते हो इसलिए, लेकिन आप जो अपने देश वाले हो उसको आप बाहर वाला बोलते हो, आप अपने देश का प्राइम मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर को जो 300 सीट के ऊपर खुद जीत कर आया है, खुद पर्सनल लेवल पे उनको 300 सीट्स मिले हैं,
और वो पैन इंडिया एक्सेप्टेंस है जिनकी, आप जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक और इधर असम से लेकर पूरा गुजरात तक जिनकी पैन इंडिया एक्सेप्टेंस है, उनको आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ बोलने के लिए नहीं बचता ही। अच्छा, नहीं सबसे मजे की बात है कि दीदी कहती है कि टीएमसी को वोट करो और सारे अल्पसंख्यक मिलकर बीजेपी को हराना है, और उन्हीं के नेता हैं वो कहते हैं कि हम 30% बंगाल में चार पाकिस्तान बना देंगे। बंगाल को ऑलरेडी उन्होंने आधा पाकिस्तान तो बना ही दिया है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, अगर इस बार वापस अगर आ जाती है तो वो एक बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ तो वीज़ा लगेगा आने के लिए। तो ये तो दिस इज़ द रीज़न वाई यहाँ के लोग डरे हुए हैं, दिस इज़ द रीज़न दे वॉन्ट कि बीजेपी शुड कम इन द पावर। और एक चीज़ आप देखिए, ये 50 साल हो गए हैं यहाँ की, ये यहाँ इस स्टेट का दुर्भाग्य है कि सेंटर एंड स्टेट ऑलवेज हैव अ डिफरेंट गवर्नमेंट और ऑलवेज अपोजिट गवर्नमेंट रही है। तो क्या होता है, तो डबल इंजन का जो ग्रोथ होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है इस स्टेट के लिए। और मैं आपको बता सकता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम ये कलकत्ता बॉम्बे से भी अहेड था, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज था, यहाँ सब कुछ था, सब बंद हो गए। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज यूज टू हैव मोर टर्नओवर देन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको ये वाला चीज़ पता चलेगा। और आज वो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया है, देयर इज नो ट्रेडिंग, नॉट अ सिंगल ट्रेडिंग। आप यहाँ पर देख लीजिए, चाय है, चाय धीरे धीरे कम होती जा रही है, जूट है, जूट ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट होता जा रहा है, सारे जो स्टील सेक्टर, वन ऑफ द मेन स्टील यहीं पर था, कोयला वगैरह की माइंस थी यहाँ पर, तब अब कोयला चोरी हो रहा है, प्रॉपर जगह पर जा नहीं रहा है, माइंस ठीक से एक्सप्लॉयट नहीं हो पा रही है, ठीक से माइंड नहीं हो पा रही है। देश इस स्टेट का दुर्भाग्य है कि सब कुछ होते हुए, सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी, मतलब हम लोग इतने पीछे रह गए, जबकि गुजरात के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पूरा वो आधा तो डेजर्ट्स है, पूरा कच्छ वच्छ है मैक्सिमम पार्ट, एंड वो हम लोग से आगे निकल गया। अब जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप यहाँ पर एक टाटा सेंटर देख रहे होंगे, तो आप सोच सकते हो मिड 50-60s की बात होगी जब टाटा सेंटर यहाँ पर आ गया था। ये जमशेदपुर से टाटा अपना पूरा कारोबार, जो ऑफिसेस थी वो बंगाल में शिफ्ट करना चाहती थी, आपके कलकत्ता में शिफ्ट करना चाहती थी, और कलकत्ता में शिफ्ट होते होते यहाँ नक्सलबाड़ी मूवमेंट हो गया। यहाँ पर लोगों को लगा कि भैया हम लोग इन लोग को, ये लोग पैसे वाले हैं, ये हम लोग का शोषण कर रहे हैं, तो इनको मारो, इनको पीटो, इनको नंगा करो। आपको पता है आदित्य बिरला को यहाँ पर आरबीआई के हेडक्वार्टर के सामने, फुटपाथ पे, सबके सामने कपड़ा खोल दिया गया। आपको लगता है कोई भी सेल्फ सर्विंग, किसी को भी थोड़ा भी अगर अपने स्वाभिमान हो वो यहाँ पर रहेगा? वो नहीं रहेंगे, वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़े और वो चले गए, वो कभी कलकत्ता नहीं आए, कभी बंगाल नहीं आए, कभी उन्होंने यहाँ पर एक नई इंडस्ट्री नहीं लगी, सारी नई इंडस्ट्री दूसरी जगह लगी, महाराष्ट्र में लगी या आपके उड़ीसा में लगी, आंध्रा में लगी, लेकिन यहाँ पर नहीं लगी। टाटा भी यहाँ पर, टाटा सेंटर बन गया, हेलीपैड तक बना हुआ है, लेकिन आज तक टाटा फिर यहाँ पर आए नहीं, टाटा वहाँ बॉम्बे हाउस बना के वहाँ बॉम्बे हाउस में चले गए। तो आप ये देखिए, यहाँ पर जो मतलब एक गलत रकम से देखा जाता था 70s में, ऐसा देखा था जैसे क्रिमिनल है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होना एक क्रिमिनल होना होता है, उसको छुप के रहना पड़ता था, उसको डर के रहना पड़ता था कि कब कोई मॉब आ जाए, उसको मार के चला जाए। तो ये वहाँ की राजनीति थी। इस राजनीति में आपको लगता है कि कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी, कोई जॉब मिलेगा? यहाँ पर अगर कोई एक लेबर अगर कोई बदमाशी कर देता था और उसको निकाल देती थी मैनेजमेंट, तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे। टू सेव पोटेंशियल वन जॉब, दे एक अपने जॉब को सेव करने के लिए वो हजारों पोटेंशियल जॉब को लात मारती है। ये थी लेफ्ट की राजनीति, और वो लेफ्ट की राजनीति ममता बनर्जी ने उसको और मॉडिफाई कर दिया और रिफाइन कर दिया, उन्होंने उसको क्रोनी कैपिटलिज्म कर दिया। क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा कर दिया कि वो 4-5 बस इंडस्ट्रीज लोग के साथ घूमती है, बाकी सबको गाली देती रहती है। और इससे क्या होता है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर रियल स्टेट है, बस रियल स्टेट में भी क्या होता है, आधा पैसा उनके लोगों के पास, सिंडिकेट राज है, उनके पास जाता है। आप यहाँ पर कोई अगर बिल्डर अगर अपनी इमारत भी खड़े करता है तो उनको ये पार्टी से सीमेंट लेना पड़ेगा। सीमेंट अगर 50 किलो का बैग आता है तो उसको मिलता है 40 किलो या 35 किलो, 15 किलो का बैग नहीं मिलता है, 15 किलो सीमेंट हटा लिया जाता है। तो आप बेसिकली 50 केजी बैग का पैसा देते हो सीमेंट का, और आपको 35 केजी मिलता है। तो ये जो 15
किलो जो है उसको बोलता है सिंडिकेट राज, उसको बोलता है कट मनी। यहाँ पैसा हर जगह काट लिया जाता है। आप अगर दुकान, अगर आप यहाँ पर अगर शॉपकीपर हो, आप दुकान लगाते हो, तो आपके पास ये लोग गुंडे आएंगे, टीएमसी के गुंडे आएंगे और बोलेंगे भैया हमको पैसा दीजिए, हमको आप हफ्ता दीजिए, आप हमको ये कीजिए, नहीं तो हम आपको आपको दुकान ही नहीं चलाने देंगे। आपके पास मार्जिन नहीं है, आपके पास सिर्फ गुंडाई है, आप कैसे लगाओगे? जैसे जी टीएमसी के नेता हैं, आर्मी के लिए कहते हैं ये सुअर के बच्चे हैं, सरकार बनने तो देख लिए जाएंगे, कैसे देखता है बंगाल का? देखिए ये बंगाल की जनता उनको जवाब देगी, और वो जिस ये वाली जो चीज़ है उन्होंने बोली है ये सब कोई ने देखा है। एंड ये मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, ये ही डजंट रिप्रेजेंट अ बंगाल कल्चर। बंगाल का कल्चर बहुत ऊंचा है, बहुत ही मतलब डिफरेंट लेवल का कल्चर है, और इस टाइप की भाषा यहाँ पर प्रयोग होगी तो जनता निस्संदेह जवाब देगी और बहुत करारा जवाब देगी। ऋषि जी सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं बंगाल की बात करूँ, यहाँ की भाषा की बात करूँ, तो बड़ी मीठी भाषा है। yes. उस भाषा में भी कहीं ना कहीं जहर घोलने की कोशिश की जा रही है हिंदी और बंगाली को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो भाषा का मतभेद हो रहा है, वो क्या बंगाल एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को? नहीं, बंगाल एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको ये इलेक्शन में पता चल जाएगा, बंगाल डजंट लाइक दिस काइंड ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स। बंगाल आपको, ये बंगाल है, बंगाल को अच्छा लगता है, बंगाल इज अ वन ऑफ द मोस्ट लिबरल स्टेट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कभी आप घूंघट नहीं देखोगे, यहाँ पर आप कभी आप यहाँ की जो आप वोमेन एम्पावरमेंट है, यहाँ पर लोग अपनी बेटियों को माँ बोलते हैं। मतलब बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी अपनी बेटी, छोटी बेटी को माँ बोलेगा, माँ गो तुम्ही केमोन आशो। सो यहाँ पर इतना मतलब इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है वोमेन पावर को, यहाँ एक्चुअली वोमेन एम्पावरमेंट है। तो अगर मोदी जी आते हैं और अगर भाजपा आती है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना स्कोप इम्प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप, सबसे बड़ी यहाँ का जो यूथ है, यहाँ यूथ बहुत पढ़ा लिखा यूथ है, लेकिन इसको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लोगों को मिलेगी जब डबल इंजन की ग्रोथ आएगी। देखिए भाजपा ने यूपी में, नोएडा में काफ़ी काम किया है, और योगी जी की गवर्नमेंट में 2 साल हुआ है। जीडीपी जो था 6 या 7 में था, आज वो 2nd में आ गया महाराष्ट्र के बाद यूपी का। ये आँख के सामने हुआ है, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आज 2nd हाईएस्ट जीडीपी अगर कोई स्टेट का है तो वो यूपी का है। तो ऋषि जी क्या लग रहा है, बंगाल की जनता आपकी बार ममता दीदी के साथ चलना चाहती है या मोदी जी के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से इस बार बंगाल की जनता को चेंज चाहिए, एंड चेंज फॉर अ बेटरमेंट चाहिए। उन्होंने 10 साल दीदी को दे दिए, दीदी ने कुछ खास डेवलपमेंट नहीं करके दिखाया। ये देखिए, एक सफ़ेद और ब्लू कलर करना डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए रियल जॉब्स चाहिए, रियल इंडस्ट्रीज चाहिए, और रियल पैसा चाहिए। सो आई थिंक अगर भाजपा आती है तो ये सब चीज़ें यहाँ के यूथ को मिलेगा, नई इंडस्ट्री आएगी, पैसा आएगा लोगों के जेबों में, तो अपने आप ही वहाँ की बेटरमेंट होगी। ऋषि, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि अगर चुनाव का मामला होता है, चुनाव जैसे ही और राज्यों में होते हैं बड़े शांति प्रिय हो जाते हैं, बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आते ही चुनाव हिंसक होने लगता है, ऐसा क्यों? ये जो है ना, ये जो हिंसकपूर्ण चुनाव, ये आज की बात नहीं है। ये मैं तो 1979 बॉर्न हुआ हूँ, ये 60s की बात है, जब से वो नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, CPM ने बहुत ब्लडशेड करके वो आए, वो उन्होंने सट्टा बदली, ये तब से चला जा रहा है। और फिर कोई भी उनके अगेंस्ट बोलता था उनको मार दिया जाता था। आपको पता होगा सेनबाड़ी में क्या हुआ था, एक माँ को उसके बेटे को कत्ल करके उसके बेटे के खून से भात सना के उनको उसको खिला दिया गया था। सो ये उस टाइप का मतलब उस लेवल की बर्बरता यहाँ पर रहती है, और ये मतलब साइक में घुस चुकी है ये चीज़। तो ये जो चीज़ है लेफ्ट से, फिर ये चीज़ ममता TMC में आ गई थी, और TMC से होपफुली ये चीज़ BJP में नहीं आए, मैं प्रे करता हूँ ये चीज़। लेकिन ये चीज़ यहाँ की है, कल्चर में ये बस गई है लास्ट 50-60 साल में। तो इसलिए अगर आप देखते हो यहाँ पर हर समय 7-8 फेज में होता है इलेक्शन। आप देखोगे 2016 में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 6-7 फेज में इलेक्शन हुआ था। तो
तो ऋषि जी, सबसे बड़ी बात है कि ये बंगाल की धरती है, जिस धरती से बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं। ये अगर मैं बात करूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ऐसे लोग हैं जिनका गौरव माना जाता है बंगाल। बट आज दीदी कह रही है कि बंगाल का गौरव मैं हूँ। बट दीदी देखिए, दीदी आप बिलीव करोगे, अब दीदी इन लोग को गौरव मानती नहीं है। दीदी अगर मेट्रो स्टेशन भी रखती है तो टीपू सुल्तान के ऊपर रखती है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, टीपू सुल्तान मैसूर का है, बंदा है वो, कर्नाटका का है वो, यहाँ पर कलकत्ता में उसका क्या लेना देना है कि वो यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है, जो कालीघाट का मेट्रो स्टेशन है, और भी कोई स्टेशन नहीं, कालीघाट का मेट्रो स्टेशन टीपू सुल्तान के नाम पे रखने की कोशिश की थी। वो फिर क्या हुआ, यहाँ के लोगों ने, जैसे हम लोगों ने काफ़ी उसका अपवाद किया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, तब जाके वो पीछे उनको हटना पड़ा। नहीं तो आप सोच लीजिए, वो इतना अपीजमेंट की राजनीति है कि आप एक टीपू सुल्तान जो कि यहाँ का आइकॉन ही नहीं है, अगर है भी तो वो मैसूर से आता है, उसको आप यहाँ पर आप बना रहे हो, आप उसका आइकॉन, आप उसके नाम पर आप मेट्रो स्टेशन खोल रहे हो, आप उसके नाम पर आप कोई इमारत बना रहे हो, तो अब क्या सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नहीं बना सकते? आप रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, आप खुदीराम बोस नहीं है, राजबिहारी जी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब आप भूल गए सबको। यहाँ सबसे, आई टेल यू, बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है, सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं बंगाल के, वो यहाँ के हुए थे, रेवोल्यूशनरी सब यहाँ के हुए थे। आप सबका नाम मिटा दियो, आपके हिसाब से रेवोल्यूशनरी है कोई इमेजिनरी टीपू सुल्तान, या कोई वो क्या नाम है नाजी का नजरुल काजी है जो कि बांग्लादेश के पोएट है, आप उनको बना रहे हो, लेकिन अपने देश के, अपने खुद की मिट्टी के लोगों को आप देना नहीं चाहते हो। ऋषि जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर बंगाल का चुनाव आया तो दीदी को अपने स्लोगन भी, इंडियन स्लोगन नहीं रखे गए, बंगाल देश से ला करके यहाँ पर स्लोगन खेला हो, या फिर और दो चार चीज़ें ऐसी। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, वो तो बंगाल, सब बांग्लादेश से उनके वोटर्स भी आते हैं, बांग्लादेश से स्लोगन भी आता है, बांग्लादेश से पैसा भी आता है, उनका तो सब कुछ है, तो एवरीथिंग उनका जो भी आता है बांग्लादेश से आता है, इसलिए उनको हम लोग भारी लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो इंडिया से हैं, इंडिया वाले बांग्लादेशी लोगों को भारी लगेंगे, तो उनको भी भारी लगते हैं भाई। क्या जवाब दे रहे हैं बंगाल के लोग? बंगाल के लोग अपना जवाब तो देंगे, और जवाब बहुत साइलेंटली देंगे, और चुपचाप कमल छाप करके देंगे, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बंगाल के लोग कुछ भी बोलते नहीं है, वो बस चुपचाप जाके दबा देंगे वोट। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला, चुपे छाप कमल साफ, टीएमसी साफ, एकदम साफ हो जाएगी, लग रहा है आपकी 19 में हाफ थी, अब 21 में साफ है। तो क्या देखता है आपकी बात, अगर 2021 का इलेक्शन है, बंगाल का जो युवा है, बुद्धिजीवी लोग है, कैसे देखता है कि कितना परिवर्तन आएगा? नहीं देखिए, इस बार काफ़ी परिवर्तन है, कुछ लोग थे जो मेरे खुद के, मैं देखिए यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं यहाँ से स्कूलिंग किया हूँ, कॉलेजिंग किया हूँ, तो मैं काफ़ी फ्रेंड्स है जो टीएमसी इंक्लाइंड भी है, लेफ्ट इंक्लाइंड भी है, बट ठीक है, हम लोग फ्रेंड्स है, लेकिन अब उनकी बातों से लग रहा है कि हाँ काफ़ी परिवर्तन लग रहा है। जैसा मैंने कुछ नेताओं को सुनते हुए देखा था, कह रहे हैं कि अब की बार झंडा तो हम टीएमसी का उठा रहे हैं डर की वजह से, परंतु कान में आके जय श्री राम बोल के चले जाते हैं। हाँ होता है, क्योंकि देखिए जय श्री राम ने एक नारा क्या किया, जो जब आप अपीजमेंट करते हो ना, तो एक काउंटर पोलराइजेशन, जब आप पोलराइजेशन करते हो तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। यहाँ पर अब उन्होंने जब 30% को अपीज करने की कोशिश की, तो 70% उनसे नाराज हो गए, और 70% ने अपना एक ब्लॉक बना लिया, और अब क्या हो गया है कि वो उन्होंने ब्लॉक बन गया, अभी तक उनके पास एक वो आपके वो मैग्नेट नहीं था, मोदी जी एक मैग्नेट का काम कर दिए, मोदी जी एक कोहेसिव फोर्स है जो 70% को ब्लॉक कर दिए, एक ब्लॉक का रूप दे दिए, मतलब जो पाकिस्तान, चार पाकिस्तान बता रहे थे, उनको सीधा मुंह तोड़ जवाब, एकदम अच्छा। चार पाकिस्तान क्या, वो मतलब वो देखिएगा, हो सकता है बांग्लादेश भी इंडिया में मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ का जो वोटर्स है बड़ा, ये जल्दी से चेंज नहीं करता है। जैसे अगर कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस 25 साल राज किया, सीपीएम 30 साल राज किया, ममता जैसे को भी 10 साल दे दिया गया, तो अब सोच सकते हैं अगर बीजेपी आएगी तो 20 साल से नीचे कहीं नहीं जाएगी बीजेपी, लंबे समय तक। हाँ, यहाँ वोटर्स 15 इलेक्शन हुए हैं, सिर्फ तीन टाइम सत्ता परिवर्तन हुआ है, बाकी 12 टाइम लोगों ने अपने वापस उसी को सत्ता में भेज दिया था जो सत्ता में था, तो यहाँ सत्ता परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब होता है तो 20-25 साल के लिए रहता है, पूरा 20-25 साल आराम से रहेंगे। जैसे कुछ राज्यों को हम देखते हैं तो हर बार, हर 5 साल में चेंज हो जाता है, जैसे अगर राजस्थान की नहीं, यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में आप बता सकते हो, ईस्टर्न इंडिया में जल्दी नहीं होता है, जैसे बिहार था, 15 साल उन्होंने लालू को दिया, 20 साल नीतीश को दिया,
10 साल उन्होंने ममता को दिया, 20-25 साल उन्होंने नवीन पटनायक जी को दे दिया, तो यहाँ जल्दी से चेंज नहीं होता। ये जो ईस्टर्न बेल्ट है ना, काफ़ी सेटिस्फाइड बेल्ट है। यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी छोटी है, यहाँ लोग बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं है, उनको भी पता है कि होगी नहीं, तो छोटी एक्सपेक्टेशन में ही खुश रहते हैं, वो लोग संतुष्ट है cool लेकिन है। उनको कूल है, लेकिन उनको छेड़ा जाए ना तो फिर वो आपको उठा के फेंक देते हैं, पूरा रंग दिखा देते हैं, पूरा रंग दिखा देते हैं। तो ये क्या है, सोया वो बंगाली को आपने जगा दिया है, उसको आप बोलते हो कि आप सरस्वती पूजा मत करो, उसको आप बोलते हो कि आप विसर्जन मत करो, तो भैया सोया वो बंगाली को आप जगा दोगे तो भैया वो तो फिर जागेगा ही। अब मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे कि दीदी है, जय श्री राम के नारे से बहुत कई बार हमने देखा है कि वो चिढ़ जाती हैं, उल्टा सीधा जवाब देने लगती हैं, तो आज तो अभी नहीं चिढ़ती है, रामनवमी पे उन्होंने नहीं, नहीं, पोस्टर डाला है, अब तो वो नहीं चिढ़ती, अब तो वो जय श्री राम बोलती है, अब तो बोलती है, खुद बोल रही है जय श्री राम, तो यही तो चेंज आ गया ना, यही चेंज था। तो क्या मोदी जी यही जो लाने के लिए आए थे, देख लीजिए, अब तो चिढ़ती भी नहीं है, अब तो जय श्री राम के जवाब में जय श्री राम ही बोलती है। आज तो रामनवमी का कल पोस्टर भी मैंने देखा था, वो मतलब हाथ जोड़ के खड़ी थी, रामनवमी की शुभकामना, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, 10 साल में मैंने कभी भी रामनवमी में उनका कोई पोस्टर नहीं देखा है। ममता का मोम पिघलता दिखाई दे रहा है अभी, तो आपके सामने है, आप रामनवमी में हाथ जोड़ रही है और क्या करेगी वो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।